9 दिन पहले युवक की हत्या कर यमुना किनारे पंप से बांधकर लटका देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी भागने में सफल हो गया। पूछताछ में सामने आया कि हत्यारोपियों ने पुलिस को जुआ कराने की सूचना देने पर युवक की हत्या कर दी और शव को यमुना किनारे फेंक दिया। 8 मई को एक युवक की हत्या कर शव को थाना क्षेत्र के गाँव रुधौ मुस्तकिल के समीप यमुना किनारे मोटर पंप के सहारे लटका दिया गया था। काफी खोजबीन के बाद शव की शिनाख्त राधा के यादव पुत्र स्वर्गीय बनी सिंह निवासी छिरवाई के ठार थाना एतमादपुर आगरा के रूप में की गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक राधा किशन हत्यारोपी जेके और सोनू का दोस्त था। वही गांव धौरा थाना एतमादपुर निवासी दूधिया किताब सिंह भी मृतक का दोस्त था। फरवरी माह में दूधिया के घर के सामने से चक्रोड़ निकल रही थी, जिसमें सोनू ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन राधा किशन ने दूधिया की मदद करते हुए चक्रोड़ निकलवाया। इस बात से हत्यारोपी नाराज हो गए थे। यही नहीं, जेके और सोनू यमुना के खादर में जुआ खिलाने का काम करते थे, जिसकी सूचना मृतक राधा किशन द्वारा एतमादपुर पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी गई और ये लोग फरार हो गए। पुलिस के छापे के बाद जुआ बंद तो हो गया था, लेकिन पुलिस को राधा किशन द्वारा बार बार सूचना देने के कारण हत्यारोपी उससे दुश्मनी मानने लगे थे और 8 मई को उसकी हत्या कर शव को यमुना किनारे पंप से लटकाकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों छोटू यादव उर्फ छोटैया पुत्र शांति प्रसाद यादव निवासी छिरवाई के ठार थाना एतमादपुर, सोनू यादव पुत्र कप्तान सिंह निवासी धौरा थाना एतमादपुर और सुरेंद्र निवासी महुआ खेड़ा थाना ताजगंज जिला आगरा को मोहम्मदाबाद कट से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी जेके पुत्र देवेंद्र निवासी छिरवाई के ठार निवासी थाना एतमादपुर आगरा फरार हो गया। पकड़ने वाली टीम में इंस्पेक्टर के अलावा उपनिरीक्षक योगेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार, दिलीप कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता अमलेश राजपूत की रिपोर्ट, SKH न्यूज। थाना टुंडला में 8 मई को एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को यमुना नदी में बांध कर लटका दिया गया था। इसमें शव की पहचान कराई गई, राधा किशन नाम से पहचान हुई। इसमें थाना टुंडला पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया और हत्या को वर्कआउट किया। आज उन्होंने 3 मुलजिमानों की गिरफ्तारी किया है, सोनू यादव, छोटू यादव और सुरेंद्र नाम के अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है जेके नाम का, जिसके लिए कि लगातार दबिश की दी जा रही है। जुआ खेलने को लेकर के और रास्ते के विवाद को लेकर के इनका आपस में तनाव था, इसी बात को लेकर हत्या की गई है। बहुत ही अच्छा काम किया है, इनके पुरस्कार की संपूर्ति की जा रही है।